Much has been talked about ethical standards, ethical principles. Now we are going to see that how can we resolve the ethical issues? Resolving ethical issues is a section which is broadly designed to guide psychologists to a variety of ethical issues. Uh, the first one is misuse of psychologist work. If psychologists learn of misuse. और मिस इंटरपटेशन ऑफ देयर वर्क उन्हें कहीं से भी पता लगता है कि उनके काम को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है उनकी रिसर्च को मिस यूज़ किया जा रहा है दे मे टेक रीजनेबल स्टेप्स टू करेक्ट एंड मिनिमाइज द मिसयूज एंड मिस इंटरपटेशन जैसे ही ये आइडेंटिफाई हो जाए कि एक रिसर्चर का या एक साइकोलॉजिस्ट का जो काम है उसकी मिस इंटरपटेशन हो रही है या उसके काम को जो है वो किसी गलत तरीके के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है Uh, उसको फ़ौरी तौर पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एथिक्स लॉ रेगुलेशन एंड अदर गवर्निंग लीगल अथॉरिटीज़ ऐसी सिचुएशन के बीच में जहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है एथिक्स के बीच में लॉ रेगुलेशंस और गवर्निंग लीगल अथॉरिटीज फॉर इंस्टेंस ऐसी सिचुएशन क्या हो सकती है आपके पास एक इंडिविजुअल आया एंड ड्यूरिंग द थेरेपी उसने अपनी सेल्फ हार्म की इम्पल्स को रिपोर्ट किया ही सेज़ दैट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पल्स टू हार्म माई सेल्फ और मैं किसी जगह पर अपने आप को बर्न करना चाहता हूँ राइट नौ दिस इज अचुएशन वे आर द राइट टू कीप दिचुएशन इन कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंशियलिटी में रखना या कंसेंट के प्रोटोकॉल को ब्रेक करना इम्पोर्टेंट होगा राधर देन के आप ये देखेंगे कि कॉन्फिडेंशियलिटी कह रही है कि इसे रिपोर्ट नहीं करना जब तो वो अपने आप को बर्न करेगा उससे उसको भी नुकसान होगा उसकी एफिलिएटेड जो लोग हैं उसके गिवर्स हैं उन्हें भी नुकसान होगा जिस जगह पे वो खुद को बर्न करेगा वो जगह भी लोगों के लिए जो है वो एक प्रॉब्लम को क्रिएट हो सकती है और एक न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है सराउंडिंग्स में तो यहाँ पर लॉ एजेंसीज को इन्फॉर्म करना और गिवर्स को इन्फॉर्म करना स्टेट को इन्फॉर्म करना रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी रादर दैन इट कम्स इन द ब्रेकिंग दानफिडेंशियलिटी रॉइट्स

तो वहाँ पर इन एथिकल प्रिंसिपल्स को सामने रखते हुए एक साइकोलॉजिस्ट को बिफोर वर्किंग फ़र्दर उनको ज़रूरी होगा कि पहले उन्हें रिजॉल्व कर लिया जाए लेट्स ए लेक अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल जो है वो थेरेपी ले रहा है और उसके साथ वो मेडिकेशन ले रहा है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स में ड्राउज़ीनेस जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है या उसको बहुत ज़्यादा हंगर पैंग्स हो रहे हैं या और सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसमें से मे भी जो ड्राउज़ीनेस जो है वो उसके ऑर्गेनाइजेशनल वर्क के साथ जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है लेट्स से अगर वो किसी ऐसी मशीन पर काम करता है जहाँ बहुत विजिलेंट वर्कर को काम करना है एंड बिकॉज ऑफ दैट इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन वो ड्राउजीनेस फील कर रहा है तो उसके जो अपने वर्क uh, की डिमांड है वो फुलफिल नहीं कर सकता तो वहाँ पर एक साइकोलॉजिस्ट का काम है कि वो उसको एक इन राइटिंग एक रिटर्न उसको लिख के दे कि तुम ये अपने इंस्टीट्यूशन में प्रोवाइड करो कि यू आर नॉट केपेबल इनफ टू वर्क विद दिस मशीन फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम और ऑर्गेनाइजेशन को उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए रादर देन स्टिगमेटाइजिंग द अदर पर्सन कि वो उसको स्टिगमाटाइज करे कि तुम तो अनवेल हो तुम तो अनहेल्दी uh, हो और तुम हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकते अनटिल एन एल वी आर गोइंग टू ब्रेक दीज बैरियर्स साइकोलॉजिकल कंसल्टे जो है दैट कुड नॉट बी इम्प्रूव ये सनारियों हमें इम्प्रूव तभी नज़र आएगा जब ये एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं इनको फुली जो है वो यूटिलाइज किया जाएगा दैन रिपोर्टिंग एथिकल

और वो आके थेरेपी में बता रहा है कि मेरे वर्क प्लेस एथिक्स बहुत ख़राब है मैं यहाँ से अक्सर आते हुए चीज़ें उठा लेता हूँ स्टील कर लेता हूँ मैं यहाँ की मशीन्स को अपने पर्सनल कामों के लिए मिस करता हूँ ये मेरी एक हैबिट बन गई है कि मैं इस तरह से करता रहता हूँ और आई कॉन्ट कंट्रोल माई सेल्फ मैं थेरेपी के लिए आया हूँ नाउ बिसाइड्स प्रोवाइडिंग हिम थेरेपी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्सन टू इंफॉर्म द रेलीवेंट पीपल ताकि वो भी उसके इस कंडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए आ, उन चीज़ों को उन सेटअप्स को इस तरीके से उसके प्रोसीजर के उसके उसके अंडर हैंड रखें जिसमें वो मिनिमम स्टीलिंग कर सके जिसमें वो मिनिमम जो है वो फैब्रिकेशन कर सके तो इट्स ऑन बोथ वे बिकॉज इट्स फॉर द वेलनेस ऑफ अ पर्सन इसका मकसद उसको सजा देना नहीं है इसका मकसद उसको इम्प्रूव करना है

Uh, इसी एथिकल uh, इशू को रिजॉल्व करने के लिए इसी प्रिंसिपल को सामने रखते हुए ये डिसीजन किया कि दैट पर्सन इज़ फॉल्सिफाइंग द रिजल्ट इसी तरह से इस सिचुएशन में अगर हम किसी की प्रोफेशनल कम्पिटेंस को वो क्वेश्चन नहीं कर रहे थे तो उसमें एक रियलिटी जो है उसको पब्लिक कर रहे थे तो ऐसे सिचुएशन के अंदर आ, हम आ, इसको वायलेशन नहीं कहेंगे इसको हम बल्कि रेजिंग द स्टैंडर्ड्स कहेंगे रेजिंग द एथिकल स्टैंडर्ड्स कहेंगे सो दिस शुड बी इंटरप्रेट विद अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो भी हमें गिवन होती है अदरवाइज अगर हम इसको सिर्फ स्पेसिफिक लिमिटेशन uh, में देख रहे होते हैं तो मे भी कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं उनकी इंटरप्रटेशन जो है वो उस तरीके से एक रिसर्चर नहीं समझ पाता तो सिचुएशन बेस्ड सनारियो बेस्ड और कॉन्टेक्ट बेस्ड एक्सप्लेसिट एक्सप्लेनेशन आर वेरी हेल्पफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द एथिकल स्टैंडर्ड्स